नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि जादौन। रुक करेंगे इस वक्त की पांच बड़ी खबरों का। महाराष्ट्र के नाशिक में भीषण सड़क हादसा, बस और ट्रक की आमने सामने से टक्कर, 10 लोगों की मौत हुई। बता दें, मुंबई से शिरडी आ रही टूरिस्ट बस की नासिक शिरडी हाईवे पर एक ट्रक से आमने सामने से टक्कर हो गई, जिसमें कुल 45 यात्री सवार थे। 10 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य घायल हो गए। मृतकों में 7 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल है। केंद्रीय मंत्री शरद यादव नहीं रहे, पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव नहीं रहे। गुरुवार रात गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उनका निधन हो गया। वो 75 साल के थे। सांस लेने में तकलीफ होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी बेटी ने निधन की जानकारी दी, जहां अब पार्थिव शरीर दिल्ली के छतरपुर स्थित उनके निवास स्थान पर रखा गया है। लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर लगा घरेलू हिंसा का आरोप, आज अदालत में होंगे पेश। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे और कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। मामला पत्नी से मारपीट और घरेलू हिंसा से जुड़ा है। राजस्थान के उदयपुर में स्थानीय कोर्ट में मामला विचाराधीन है, जहां आज हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह अदालत में पेश होंगे। संकट पर बनी कमेटी में डॉक्टर पीयूष रौतेला, डॉक्टर एमपीएस विष्ट को भी शामिल करने का निर्देश। पीयूष रौतेला और डॉक्टर एमपीएस विष्ट को सरकार की गठित विशेषज्ञ समिति में शामिल करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने कमेटी को निर्देश दिया है कि वो 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में कोर्ट के सामने पेश करे। कोर्ट ने सरकार को उत्तराखंड के जोशीमठ में निर्माण पर लगी रोक को सख्ती से लागू करने का भी आदेश दिया है। उत्तरकाशी में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 2.9 मापी गई। उत्तराखंड के जोशीमठ में घरों में आई दरारों के बीच उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस हुए। उत्तरकाशी में देर रात आए भूकंप की तीव्रता 2.9 मापी गई। इस भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर 10 किलोमीटर गहराई में था। बता दें, उत्तराखंड के जोशीमठ में भूधसाव के चलते तमाम घरों और होटलों में दरारें पड़ गई। ऐसी और लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com।